एक गांव में एक रहस्यमयी ट्यूबवेल था। उस ट्यूबवेल के अंदर बहुत से गांव वाले डूब चुके थे। हालांकि उसकी गहराई सिर्फ 4 फीट ही थी, लेकिन जो भी व्यक्ति उसमें उतरता वह अंदर खींचा चला जाता है। राधा का पति श्यामू भी उस ट्यूबवेल का शिकार बन चुका था। फिर एक दिन, सरपंच जी कुछ कीजिए ना, मैंने रात को अपनी आंखों से देखा था कि एक चुड़ैल इस ट्यूबवेल के अंदर नहा रही थी। मैंने जैसे ही उसके ऊपर डंडे से वार करना चाहा, तो वो इस ट्यूबवेल के अंदर चली गई। उन सब गांव वालों के गायब होने की वजह चुड़ैल ही है। बात तो तुम ठीक कहती हो राधा। मेरी आंखों के सामने इस ट्यूबवेल ने 4 लोगों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन इसकी गहराई तो सिर्फ 4 फीट ही है। आखिर वह लोग इसमें डूबने के बाद कहां जा रहे हैं? उनकी लाशें क्यों नहीं मिल रही? सरपंच जी, क्यों ना हम इस ट्यूबवेल का सारा पानी निकाल दें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। बात तो तुम ठीक कहते हो। अभी दिन का वक्त है, कोई खतरे की बात भी नहीं होगी। तुम अभी के अभी गांव वालों की मदद से इसका पानी निकाल दो। फिर कुछ गांव वाले मिलकर ट्यूबवेल का सारा पानी बाल्टी से बाहर निकालने लगते हैं, और कुछ ही देर में ट्यूबवेल का सारा पानी निकल जाता है। लेकिन ये क्या, वहाँ तो कुछ भी नहीं होता, ट्यूबवेल बिल्कुल खाली होता है। अरे सरपंच जी, ये तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगा था यहाँ जरूर कुछ ना कुछ होगा। अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलो भाइयों, अपने अपने घर चलो। रुकिए सरपंच जी, आपके सामने इस ट्यूबवेल ने 4 लोगों को अपना शिकार बनाया था, आपने तो अपनी आंखों से देखा था ना। राधा चिल्लाती रही, लेकिन सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं। जी, मैं आपको वापस लेकर ही रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर रात होने पर राधा उस ट्यूबवेल के पास जाती है और उसका पानी चालू कर देती है। कुछ ही देर में ट्यूबवेल में पानी भर जाता है। फिर वह एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और इंतजार करने लगती है। फिर कुछ देर बाद उसे ट्यूबवेल से डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हे भगवान, ये कैसी आवाजें हैं? ये आवाजें तो उसी ट्यूबवेल से आ रही हैं। कहीं मैंने इसमें पानी भरकर कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी थोड़ी देर बाद एक औरत उस ट्यूबवेल से निकलती है। उसकी पीठ होने की वजह से राधा उसका चेहरा नहीं देख पाती। पीछे से वह औरत बिल्कुल चुड़ैल की तरह लग रही होती है, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं। दया रे दया, ये तो वही चुड़ैल है जिसे मैंने उस दिन देखा था। यही है जो गांव के लोगों को इस ट्यूबवेल के अंदर खींच लेती है। अब मैं क्या करूं? मुझे अभी इसके बारे में गांव वालों को बताना होगा। फिर वह भागती हुई सरपंच के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। फिर सरपंच कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर वहां पहुंच जाता है। वह चुड़ैल अभी भी वहीं उस ट्यूबवेल में बैठी हुई होती है। सब गांव वालों की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये तो कोई चुड़ैल लग रही है सरपंच जी। हम इंसान इसका मुकाबला कैसे करेंगे? भाई, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक काम करो, एक रस्सी लाओ और इसके ऊपर डाल दो। फिर एक गांव वाला कुछ रस्सियों का इंतजाम करता है, तभी उस चुड़ैल को गांव वालों की आहट सुनाई दे जाती है। वो अपनी गर्दन को पीछे घुमाती है, उसकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। सब गांव वाले उसे देखकर थरथर कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये तो बहुत खूंखार लग रही है सरपंच जी, ये तो हमें जिंदा ही चबा जाएगी, अब क्या करें? डरो नहीं, उसके ऊपर रस्सियां फेंको और इसे पकड़ लो। फिर गांव वाले उसके ऊपर रस्सियां फेंकते हैं और उसकी गर्दन को फंसा लेते हैं। चुड़ैल तड़पने लगती है और छटपटाती हुई पानी के अंदर जाने लगती है। छोड़ना नहीं भाइयों, इसे हाथ से जाने नहीं देना है, पकड़े रहो।
फिर वो चुड़ैल पानी के अंदर घुस जाती है। सरपंच जी, ये तो पानी के अंदर चली गई, अब क्या करें? सब लोग रस्सी पकड़े रहो, कोई भी रस्सी मत छोड़ना। तभी एक एक करके सबकी रस्सियाँ उनके हाथ से छूट जाती हैं। अरे कमबख्तों, तुम सबने रस्सियाँ क्यों छोड़ दी? जल्दी आओ, मेरी मदद करो, मैं अकेला इस रस्सी को नहीं पकड़ सकता। फिर सभी गांव वाले कालू के पीछे रस्सी पकड़ पकड़ कर खड़े हो जाते हैं। दम लगा के हाइसा, दम लगा के हाइसा। तभी ट्यूबवेल के अंदर से ही किसी के गुर्राने की आवाज आती है और रस्सी ट्यूबवेल के अंदर खींची चली जाती है। अरे मर गए रे, मुझे तो पहले ही पता था, ये बूढ़ा सरपंच सबको एक ना एक दिन मरवा कर ही छोड़ेगा। और देखते ही देखते सब गांव वाले उस रस्सी के साथ उस ट्यूबवेल के अंदर चले जाते हैं और एकदम से शांति हो जाती है। वहां अब किसी गांव वाले का कोई नामो निशान नहीं होता। ये सारा मंजर एक गांव वाला देख लेता है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये भूतिया ट्यूबवेल तो सब गांव वालों को निगल गया, अब क्या होगा? आखिर ये 4 फुट का ट्यूबवेल इतने सारे लोगों को कैसे डुबा सकता है? ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव ही इसमें समा जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे अभी सब गांव वालों के पास जाकर इसके बारे में बताना होगा। फिर अगला दिन होने पर, देखो भाइयों, अब सरपंच जी भी उस ट्यूबवेल के शिकार हो गए हैं। अब हमें ही कोई तरकीब लड़ानी होगी जिससे उस चुड़ैल को उस ट्यूबवेल से बाहर निकाला जा सके। किसी के पास कोई रास्ता है तो बताओ। भाई, मेरे पास एक तरकीब है, रात होने दो, फिर उस चुड़ैल को मजा चखा कर रहूंगा। फिर रात होने पर सब गांव वाले पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो चुड़ैल फिर से ट्यूबवेल से बाहर आती है। उसे देखकर सब गांव वालों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल तो बहुत डरावनी लगती है भाई, चलो यहाँ से भाग चले, नहीं तो ये हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली भाइयों। अरे डरो नहीं, तुम सब लोग यहीं छुपे रहो, मैं अभी आता हूँ। फिर भीमा एक बड़ी सी रस्सी लेकर उस ट्यूबवेल की ओर चल देता है। चुड़ैल वहीं बैठी होती है। ए चुड़ैल, बस बहुत हो गया तेरा आतंक, अब और नहीं, रुक, छे अभी बताता हूँ। फिर भीमा रस्सी को चुड़ैल की तरफ फेंकता है और रस्सी चुड़ैल की गर्दन में अटक जाती है। ए मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगता है इस रस्सी की ताकत से तू मुझे रोक लेगा? तुझे तो मैं एक तिनके की तरह हवा में उड़ा दूंगी। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। हाँ मैं जानता हूँ तू मुझे तिनके की तरह हवा में जरूर उड़ा सकती है, लेकिन इन्हें उड़ा कर दिखा। ए तू किसकी बात कर रहा है, बोल। रुक, अभी बताता हूँ। हीरा, जल्दी से वो मूर्ति लेकर यहाँ, मैं इसे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रोक पाऊंगा। फिर गांव वाले बजरंग बली की बड़ी सी मूर्ति को लेकर आते हैं और भीमा उस रस्सी को बजरंग बली की मूर्ति के साथ लपेट देता है। अरे नहीं, ये क्या किया तूने? नहीं नहीं। फिर चुड़ैल ट्यूबवेल के अंदर जाने लगती है और बजरंग बली की मूर्ति भी उस चुड़ैल के साथ साथ ट्यूबवेल के अंदर चली जाती है। सब गांव वाले हैरान परेशान होकर देखते रहते हैं। सब जगह शांति हो जाती है। अरे भीमा भाई, ये क्या, तुम्हारी ये तरकीब तो फेल हो गई, ये तो मूर्ति को भी अपने साथ ले गई, अब क्या करें भाई? बजरंग बली पर विश्वास रखो दोस्त। तभी गांव के मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं, जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। भीमा भाई, मंदिर की घंटियां खुद ही बजने लगी है, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। तभी उस ट्यूबवेल से बहुत तेज प्रकाश उठता है और जोरों का विस्फोट होता है और सभी गांव वाले ट्यूबवेल से उछलकर बाहर गिर जाते हैं। तभी सब गांव वाले भी वापस जिंदा हो जाते हैं।